हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल फ्लेवर्स ऑफ रिकीज किचन। आई होप कि आप सब हेल्दी है। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ फ्राइड राइस का रेसिपी। ये वेज फ्राइड राइस है और हम सबको पता है फ्राइड राइस दो किस्म से बनता है। एक चाइनीज़ फ्राइड राइस होता है जो चाइनीज़ स्टाइल में बनता है, और एक हम बंगालियों का फ्राइड राइस होता है जो कि बंगाली फ्राइड राइस कहते हैं, हल्का सा मीठा होता है। आज मैं जो शेयर करने वाली हूँ वो है चाइनीज़ फ्राइड राइस, और ये वाला फ्राइड राइस जो है वो सबको पसंद होता है। फ्राइड राइस बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे बासमती चावल। मैंने बासमती चावल ले लिया है एक ग्लास, ग्लास के हिसाब से मैंने लिया है, और एक ग्लास राइस का मतलब है 250 ग्राम चावल। दो ग्लास मैंने डाल दिया है मतलब 500 ग्राम चावल। तो मैंने टोटल 500 ग्राम मतलब हाफ के जी बासमती राइस ले लिया है। उसे मैं अच्छे से 3 से 4 बार पानी में ऐसे मसल मसल के धोऊँगी, तब तक जब तक कि इसमें जो अब पानी का कलर देख सकते हैं कैसे ब्लंट टाइप का आ रहा है, वाइटिश आ रहा है, जब तक कि पानी जो है वो एकदम क्लीन ना निकले तब तक हमें इसे धोना है। मान लीजिए करीब 3 बार धोने से पानी जो है वो क्लीन आता है। अच्छे से क्लीन कर लेने के बाद मैं इसमें पानी डाल के आधे घंटे के लिए चावल को सोक होने के लिए रख दूँगी। चावल को सोक करना बहुत ज़रूरी होता है, फ्राइड राइस हो या बिरयानी, कोई भी चीज़ आप बनाएं बासमती चावल से कम हाफ एन आवर सोक करना बहुत ज़रूरी होता है। एक हांडी चढ़ा लिया है मैंने गैस के ऊपर, हांडी में ही मैं बनाऊंगी आज फ्राइड राइस। सबसे पहले मैंने हांडी में भर के पानी ले लिया है करीब 2 से 3 लीटर। पानी गर्म होते ही मैंने उसमें डाल दिया है 1 चम्मच साबुत जीरा और 2 चम्मच नमक, 3 चम्मच नमक मैंने डाला है सॉरी। अब पानी जैसे ही उबलेगा उसमें हमें चावल डाल लेना है। सबसे पहले हमें चावल को पका लेना है फ्राइड राइस बनाने के लिए। चावल को हमें 70% पकाना है, बाकी 30% जब वेजिटेबल्स के साथ फ्राई होगा तब पक जाएगा। अभी स्टेज में अगर आप चावल को 100% बॉयल कर लेंगे, वेल डन कर लेंगे, तो फ्राइड राइस बनाने के टाइम में चावल जो है वो सारे टूट करके बिखर जाएगा। अब इसे होने देते हैं। करीब 5 से 6 मिनट तक इसे अगर हम उबालेंगे तो चावल 70% बॉयल हो जाएगा। चाइनीज़ स्टाइल में ये जो फ्राइड राइस मैं बना रही हूँ इसे अगर आप बनाते हैं, इसके साथ चाइनीज़ साइड डिश हो या नॉर्मल मुगलाई साइड डिश हो, कोई भी हो, बहुत अच्छा जाता है, खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए चावल जो है वो 70% बॉयल हो चुका है। मैंने करीब 4 से 5 मिनट तक इसे हाई फ्लेम में बॉयल किया है। 70% डन हो गया है। इस स्टेज में एक छन्नी से छान करके चावल जो है वो पानी में से छान करके हमें एक बड़ा सा बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेना है, और इसे फैन के नीचे आप रख दीजिए ताकि अच्छे से कूल डाउन हो जाए। गरम गरम चावल को फ्राइड राइस नहीं बनाते। राइस पक जाने के बाद उसे अच्छे से रूम टेम्परेचर में ठंडा होने के लिए रखना होगा। मेरा चावल जो है वो ठंडा हो चुका है, अब इसे फ्राई करेंगे। मैंने वही सेम बर्तन ले लिया है, इसमें मैंने डाल दिया है करीब 2 से 3 बड़ा चम्मच सनफ्लावर ऑयल और साथ ही 2 बटर के क्यूब्स। आप सिर्फ बटर में भी बना सकते हैं, बट सिर्फ बटर डालते हैं गरम गरम बर्तन में तो बटर जल जाता है, इसीलिए मैंने 2 से 3 चम्मच ऑयल का भी इस्तेमाल किया है। ऑयल और बटर अच्छे से गर्म हो जाए तो सबसे पहले इसमें मैं डाल रही हूँ बारीक चॉप किया हुआ लहसुन और ग्रेट किया हुआ अदरक, दोनों मिला के करीब 3 से 4 बड़ा चम्मच होगा। मान लीजिए 2 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक और 2 चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन। अब अदरक लहसुन को अच्छे से फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन का कच्चापन चला जाना चाहिए और बहुत अच्छा खुशबू आना स्टार्ट होना चाहिए, तब तक हमें अदरक लहसुन को फ्राई करना है। अच्छे से अदरक और लहसुन फ्राई हो चुका है, बहुत अच्छा खुशबू इसमें से आ रहा है। अब ऐड करेंगे वेजिटेबल्स। मैंने स्लाइसेस में कट करके रखे थे ग्रीन कैप्सिकम और कैरेट, बीन्स और अनियन, इन तीन चीज़ों को मैंने चॉप करके रखा था और कैप्सिकम को मैंने स्लाइस करके रखा था। अब इन सारे वेजिटेबल्स को मैंने डाल लिया है इस तेल में। अब इसे अच्छे से भूनेंगे, तब तक हमें इसे भूनना है जब तक कि ये 50 to 60% मतलब पक ना जाए। ये जो चाइनीज़ फ्राइड राइस होता है ना, इसका वेजिटेबल्स हल्का हल्का क्रंचीनेस इसमें रहता है, ये एकदम 100% डन नहीं रहता,
60-70% हमें इसे पकाना होता है फ्राइड राइस बनाने के लिए। और जब भी हम फ्राइड राइस खाएंगे तो सारे वेजिटेबल्स का हल्का सा क्रंचीनेस होना चाहिए। देखिए 60-70% हो गया है, पक गया है। अब जो मैंने चावल रखे थे ठंडा होने के लिए वो मैंने डाल दिया है। चावल ठंडा हो गया है और इसे मैंने वो जो बड़ा बर्तन में मैं बना रही हूँ फ्राइड राइस उसमें ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसमें हमें ऐड करना है कुछ इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले मैंने इसमें डाला है करीब 2 बड़ा चम्मच डार्क सोया सॉस, साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ करीब 1 बड़ा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर। उसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ करीब 1 बड़ा चम्मच नमक। नमक का इस्तेमाल मैंने चावल को उबालते टाइम में भी पानी में किया था, इसीलिए अभी हमें 1 चम्मच ही नमक ऐड करना है, उससे ज़्यादा नहीं। फ्राइड राइस पक जाने के बाद हल्का सा टेस्ट करके देखिएगा, अगर आपको उस स्टेज में फाइनल स्टेज में नमक कम लगे तो ही आप एक्स्ट्रा ऐड कीजिए, वरना नहीं। अभी अगर आप ज़्यादा नमक ऐड कर लेंगे तो फ्राइड राइस में नमक ज़्यादा हो जाएगा और खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब चारों तरफ से हल्के हाथों से हमें चावल को फ्राई किया हुआ वेजिटेबल्स के साथ और मसाले के साथ मिला लेना है। अच्छे से 2-3 मिनट तक इसे फ्राई कीजिए और चाइनीज़ वेज फ्राइड राइस बनके एकदम रेडी हो गया। कितना इजी है ना, जितना इजी है उतना ही फटाफट बनता भी है और उतना ही टेस्टी होता है। जब इतना आसानी से घर में ही बन जाता है सारे रेस्टोरेंट वाले डिशेस, तो रेस्टोरेंट से ख़रीद के मंगवा के खाने का ज़रूरत ही क्या है। घर में बनाइए और इन्जॉय कीजिए। मेरा फ्राइड राइस तो बन गया है, इसे मैं वेज मंचूरियन के साथ एंजॉय करूँगी डिनर में। आप चाहे तो इसे कोई भी चाइनीज़ या नॉर्थ इंडियन डिशेस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे रेसिपी को फॉलो कीजिए, घर में इसे बनाइए और सब लोग एंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। आई होप कि आप सबको ये बेहद पसंद आएगा। एक दिन मैं आपको बंगाली स्टाइल का फ्राइड राइस कैसा होता है वो भी ज़रूर शेयर करूँगी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय।